A very good morning. If any doubt is there, which you can ask. Sandeepji, if any doubt is there, but you can ask. Till the others join, you can ask your doubts. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Hanji bache. Madam, sir, 3.4 ka 8th question hai. Ek baar repeat karwa sakte ho. Which question bache? मैम 8th क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 8 दिस इज साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5 This is equal to 0. combination देखें, x or 3x will give you 2x by 2, that is x, not 3x and 5x will give you sum as 8x by 2, यानी कि 4x, not equal to the third. This is definitely यहाँ पे आपका x आता है, which is equal to the third angle. बट जब हम उस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं 3x और 5x के बीच में तो वहां पे हमारा जब हम डिफरेंस लेते हैं साइन की दोनों टर्म्स में तो वो कॉस की फॉर्म में बनता है और जबकि यहाँ पे हमें साइन ऑफ x गिवन है तो इसलिए हम 5x और 3x का कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते. जैसे अगर आप साइन 3x प्लस साइन 5x करते हो तो दिस इज 2 साइन सम ऑफ द एंगल्स बाय 2 दैट इज 4x and cos difference of the angles by 2 that is cos of minus 2x by 2 cos of minus x cos of minus theta is cos theta. तो इसको जब मैं sin x इस वाले के साथ ऐड करूंगी इनमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा आपका तो इस वजह से हम 5x का difference by 2 बेशक थर्ड एंगल के इक्वल आ रहा है हम इसके साथ नहीं ले सकते क्योंकि यहां से हमें कॉमन कुछ नहीं मिला तो हम क्या करेंगे इसको भी छोड़ देंगे नेक्स्ट हम इन दोनों को लेंगे x और 5x को सम बाय 2 इज इक्वल टू द थर्ड एंगल तो हम रीराइट करेंगे sin x और sin 5x वाली टर्म्स को इकट्ठा ले लेंगे sin 3x को हम अलग ले लेंगे अब यहाँ पे sin c प्लस sin d का हम फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज 2 sin सम ऑफ द एंगल्स बाय 2 एंड cos डिफरेंस ऑफ द एंगल्स x माइनस 5x बाय 2 इज माइनस 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0 अब यहाँ से आपका कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा होता है साइन 3x इन दोनों टर्म्स में से आपका कॉमन आ जाएगा दिस इज 2 कॉस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 इधर साइन 3x इज इक्वल टू 0 और 2 cos 2x plus 1 equal to 0. Sin 3x equal to 0 पे आप लगा लोगे x is equal to n by वाला concept 3x is equal to n by आ जाएगा इसको भी उसी तरीके से simplify कर लोगे cos 2x is equal to minus 1 by 2 then आगे आपकी conversion जो है वो आती है in that way you will convert this and do your question. So I hope this one is clear to you. If any other child is having any doubt, In any of the homework questions or previous questions, you can ask. Otherwise, I will continue with the last example, example number 29. Again, इस type का question हमने नहीं किया हुआ है. तो miscellaneous exercise में आपके काफी सारे ऐसे questions हैं example की form में जो हमने पहले exercise में नहीं किए हैं. तो this type of questions also, you are to do the practice. आपने प्रैक्टिस करनी है इस टाइप के क्वेश्चन नाउ एग्जाम्पल 29 इज आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज
cos square x plus cos square x plus 5 by 3. Plus cos square x minus pi by 3. We have to prove that this is equal to phi upon 2. इसको हमने prove करना है कि इन तीनों का जो sum है that is phi by 2. हमने क्या करना है, हमने formula किया हुआ है cos 2x का, that is 2 cos square x minus 1. ये minus 1 हम इधर ले आएंगे, तो this is 1 plus cos 2x equal to 2 cos square x. ये वाला 2 भी हम इधर ले जाएंगे, वहां पे multiply कर रहे हैं, तो इधर आते डिवाइड. तो आप, मैंने पहले भी कहा था तो शायद आप ये फॉर्मूला जो है अपने बुक में अलग से लिख लो कि जहां पे भी cos square x आएगा, क्योंकि ये plus 1 plus 2 में काफी जगह आपका यूज होगा. cos square x if you are having, you will replace that with 1 plus cos 2x by 2. सेम वे में अगर आपके पास sin square x आता है तो we replace that with 1 minus cos double of the angle by 2. तो यहाँ पे हमारे पास सारी टर्म्स cos में है, तो हम इस फॉर्म form में फॉर्मूला लगा देंगे. जो यहाँ पे एंगल होगा cos के साथ उसका एंगल डबल हो जाएगा, और 1 ऐड करके पूरी उसको ओवरऑल टर्म को 2 से आप डिवाइड. तो यहाँ पे cos square x का ये वाला फॉर्मूला ऐसे कुछ आ जाएगा, 1 plus cos 2x upon 2 plus. अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, cos square x plus pi by 3. x plus pi by 3 का जब आप डबल करोगे एंगल के लिए, तो this will be 2 pi by 3. तो यहाँ पे आपका ये 1 plus cos double of the angle by 3. So this is 1 plus cos double of the angle लिया गया, 2x plus 2 pi by 3 upon में 2 plus, यहाँ पे भी अगेन इसी तरीके से डबल कर दोगे, 1 plus cos, इस एंगल का डबल करना है, तो this is 2x minus 2 pi by 3 over all दोनों टर्म्स का upon में 2. अब इनको हम रीराइट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. 2 तीनों के नीचे है, तो वी कैन टेक 1 बाय 2 एज कॉमन. देन 1 प्लस cos 2x रह गया यहाँ, 1 प्लस cos 2x प्लस 2 पाई बाय 3, 1 प्लस cos 2x minus 2 pi by 3. 1 plus 1 plus 1. This is 3. Plus cos 2x. इन दोनों में हम क्या करेंगे, cos c plus cos d का formula लगा देंगे. ये 1 1 1 हम आगे ले आए, add होके 3 हो गए. ये वाला cos 2x आपका as it is आ गया. इन दोनों terms में, इस वाले में और इस वाले में, cos c plus cos d का फॉर्मूला लगा. cos c plus cos d is 2 cos sum of the angles 2x plus 2 pi by 3, ये angle c, 2x minus 2 pi by 3, this is angle d, sum of the angles pi 2, and again plus pi 2 pi, the cos difference of the angles. Again, by 2. इन फॉर्मूलाज को जो आपके सी डी फॉर्मूलाज थे, आप इस तरीके से याद रख सकते हो. अगर आपके पास सी प्लस सी है, cos of the angle plus sin of the angle, so this will be given by 2 c c. अगर c minus c है, यानी कि cos c minus cos b. एंगल नहीं मैं यहाँ पे लिख रही, सिर्फ जो t वाली रेशियो वाली टर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, दैट I am telling, cos plus cos वाला अगर एंगल बनता है, जैसे cos c plus cos d, तो 2cc means 2 cos sum of the angles cos difference of the angles. यहाँ पे इधर multiply में term बन जाएगी, इधर plus या minus में होगी. c minus c, that is minus 2ss, यानी कि cos c minus cos d is equal to minus 2 sin sum of the angles by 2 difference sine difference of the angles by 2. यहाँ पे cos c plus cos b
this is 2 cos, sum of the angles by 2 and cos difference of the angles by 2. Same way me. Sin C plus sin D. This is 2SC. This is 2 sin, sum of the angles by 2, cos, difference of the angles by 2. Or agar S minus S aa jata hai, this will be 2CS, yani ki sin C minus sin D is equal to 2 cos, sum of the angles by 2, sin, difference of the angles by 2. Dekho, sum of the angle by 2, difference of the angle by 2 to har ek mein aana hi aana hai. Yahan pe sirf, yahan pe bhi C aur D, P ratio ke saath aana hi aana hai. Yahan iska humne short mein kar liya. Ki ye main agar learn kar leti hu, to mujhe ye formulas banane easy ho jate hain. C plus C, yani ki dono terms agar cos ki hain, add ho rahi hain, to answer mein twice of dono cos wali terms ka product aayega. C माइनस सी दोनों टर्म्स कॉस की हैं, डिफरेंस ले रहे हैं अगर हम, तो इधर नेगेटिव साइन ट्वाइस ऑफ साइन दोनों टर्म्स आ जाएंगे आपके. देन एस प्लस एस साइन सी प्लस साइन डी अगर हम लेते हैं तो साइन वाली टर्म पहले आएगी, बाद में आएगी. पहले वाली के साथ हम सम ऑफ द एंगल्स बाय टू लेते हैं, बाद वाले के साथ हम डिफरेंस ऑफ द एंगल्स बाय टू लेते हैं. अगर एस माइनस एस है तो ट्वाइस ऑफ कॉस सी प्लस डी बाय टू साइन सी माइनस डी बाय टू. ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे या तो टी रेशियोज जो भी हैं आपका उनका सम होगा या इनका डिफरेंस, और राइट हैंड साइड पे इनका प्रोडक्ट. तो यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी यानी कि सी प्लस सी वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ 3 plus cos 2x plus 2 cos. ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. 2x plus 2x is 4x by 2 is 2x. तो 2 cos 2x. इसको ओवरऑल को सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आ गया 2x. सेम वे में यहाँ पे 2x और माइनस 2x कट जाएगा. रह गया गया हमारे पास ब्रैकेट में 2 pi by 3 plus 2 pi by 3 अपॉन में 2. जब आप सेम टर्म्स को ऐड करते हो दैट बिकम्स ट्वाइस ऑफ, तो ये आपका बन जाएगा कॉस, या तो आप इसको 4 पाई बाय 3 लिख सकते हो या ट्वाइस ऑफ 2 पाई बाय 3 लिख सकते हो. ये वाला 2 इस वाले 4 को कट कर देगा तो ये आ गया 2 पाई बाय 3. अब यहाँ पे ध्यान दो, ये आ गया 3 प्लस कॉस 2x, यहाँ पे भी आ रहा है मेरे पास, और cos 2x यहाँ पे भी आ रहा है. यहाँ जो मेरा एंगल बन रहा है वो cos 2 pi by 3 बन रहा है. cos 2 pi by 3 means 180 डिग्री, जो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है. सेकेंड क्वाड्रेंट में मुझे पता है cos नेगेटिव होता है, तो मैं क्या करूंगी इसको कन्वर्ट कर लूंगी फर्स्ट एंगल. नाउ दिस कैन बी रिटन एज pi minus pi by 3 cos of second quadrant में pi minus theta की form में लिखते हैं, तो this is pi minus pi by 3. अब pi minus pi by 3, जब भी cos of pi minus theta आपको given है, that is minus cos theta, that is equal to minus cos theta. So this is minus cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा पाई बाई थ्री. अब ये नेगेटिव साइन इधर आ जाएगा, कॉस पाई बाई थ्री की हम वैल्यू पुट कर देंगे. ये वाला नेगेटिव साइन इस वाले पॉजिटिव के साइन मल्टीप्लाई होके विल गिव अस माइनस साइन इनटू cos pi by 3. cos pi by 3 होता है cos 60. cos 60 पे जो वैल्यू होती है दैट इज 1 by 2. ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. we are left with 3 plus cos 2x minus cos 2. ये अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा. what we are left with half multiplied by 3 that is equal to 3 by 2 which is the right hand side.
हमने जब भी स्क्वायर वाली टर्म आएगी हमारे पास इस तरीके से, हमारे पास कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस माइक म्यूट है। जब भी हमें cos square की terms में given है, हमने 1 plus cos twice of the angle by 2 की form में इसको लिख लेना है, तो this is 1 plus cos x था, x का double twice, 2x बन गया, by 2 cos square, यहाँ पे एंगल x plus pi by 3 था, तो ये 1 plus cos twice of x plus pi by 3 by 2 बन गया, plus का sign as it is, इसको भी हमने इसी form में लिख लिया, 1 plus cos twice of x minus pi by 3 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, अगर हम वैसे देखें तो तीनों में common आ रहा है, उसको हमने बाहर ले लिया, ये 2 अब तीनों में से गायब हो गया, यहाँ पे रह गया था 1 plus cos 2x, 1 plus cos 2x plus 2 pi by 3, 1 plus cos 2x minus 2 pi by 3, तो 1 plus 1 plus 1 will give us 3, यहाँ रह गया cos 2x, यहाँ हमारे पास है cos 2x plus 2 pi by 3, cos 2x minus 2 pi by 3, cos c plus cos d का फॉर्मूला लगा दिया इन दोनों के बीच में, that is twice, 2 times cos sum of the angles by 2, cos difference of the angles by 2, जो आपकी टर्म्स सेम है विद डिफरेंट साइंस हैं, उनको आप कैंसिल आउट कर दोगे, 2x plus 2x is 4x, by 2 जब हमने किया तो ये 2x आ गया, cos of 2 pi by 3 plus 2 pi by 3 is 4 pi by 3, जब हमने उसको 2 से डिवाइड किया तो वो cos of 2 pi by 3 रह गया, this is the second quadrant, इसको हमने first quadrant के accordingly convert कर लिया, cos of pi minus theta जो है हमारा, that is minus cos theta, तो ये माइनस कॉस थीटा की जगह पाई बाय थ्री आ गया, ये वाला माइनस साइन हमने यहाँ लिखा, कॉस पाई बाय थ्री की वैल्यू पुट की, तो ये टू और ये टू आपका कैंसिल आउट हो गया, कॉस टू एक्स माइनस कॉस टू एक्स ये आपका जीरो आ गया, थ्री प्लस जीरो इज थ्री, थ्री इंटू हाफ इज थ्री बाय टू, सो दिस वॉज योर एग्जाम्पल नंबर 29। नाउ वी विल स्टार्ट विद द मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 अगेन इस टाइप का प्रॉपर आपने क्वेश्चन नहीं किया, बट हमने ये जरूर किया है कि अगर 2 cos a cos b वाला हमारा लगता है फॉर्मूला, तो हमने उसको कैसे करना, ये फॉर्मूले आपको मैंने लिखवाए हुए हैं, 2 cos a cos b, एनी वन ऑफ यू जिसको याद हो क्या फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b, व्हाट इज दिस इक्वल टू, इट मींस अभी तक आपने जो इसके फॉर्मूले हैं वो लर्न नहीं किए हैं, और सबसे पहला काम यही होना चाहिए आपका कि फॉर्मूले ये लर्न होंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम वहां पे फॉर्मूले जो है उनको डिराइव करके देखें इसका रिजल्ट क्या है, यू हैव टू सेव योर टाइम इन द एग्जाम्स, तो ये आपको टिप्स पे होने चाहिए कि कहाँ पे हमने क्या कंसेप्ट यूज कर। That is cos of a plus b plus cos of a minus b, ये फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे, cos of a की जगह pi by 13, b की जगह 9 pi by 13, then plus cos a की जगह pi by 13 minus b की जगह 9 pi by 13, तो 2 cos a cos b की जगह हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया, cos of a plus b plus cos of a minus b, और ये दोनों टर्म्स एज इट इज,
अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली टर्म्स ऐड कर देंगे, पाई प्लस 9 पाई इज 10 पाई बाय 13। दिस इज कॉस ऑफ पाई माइनस 9 पाई इज माइनस 8 पाई बाय 13, कॉस 3 पाई बाय 13 एंड कॉस 5 पाई बाय। अब देखो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये वाला नेगेटिव साइन हम रिमूव कर देंगे। एलएचएस लेके चल रहा है, इसको हमने इक्वल टू जीरो प्रूव करने। अब जब इस तरीके से आ जाता है हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि किसका पेयरिंग हम करेंगे कि हमारी एक टर्म जो है वो नेगेटिव बन जाए। 10 पाई बाय 13 है, 3 पाई बाय 13 है, जब आप इनको लेके चलोगे इकट्ठे तो 10 और 3 मुझे 13 देते हैं, 8 और 5 मुझे 13 देते हैं, यानी कि cos 10 पाई बाय 13 को मैं 3 पाई बाय 13 की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी, 8 पाई बाय 13 को मैं 5 पाई बाय 13 की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी। आई कैन री राइट cos of 10 pi by 13 can be written as pi minus 3 pi by 13. Same way mein cos 8 pi by 13 can be written as pi minus 5 pi by 13. और ये वाली दोनों terms ऐसे होता है, दोनों मतलब चारों में से किन्ही दो terms को आप ऐसे pi minus theta की form में convert कर लेंगे, क्योंकि मैंने 10 pi by 13 को कर लिया तो 3 pi by 13 मैं as it is लिखूंगी, in case if I would have converted 3 pi by 13 तो मेरा 10 pi by 13 as it is लिखा जाना था। तो वो आपकी विश है कि आप किसको convert करना चाहते हो pi minus theta की form में। Now you know that cos of pi minus theta is minus cos theta, तो minus cos, आप यहाँ से भी इस तरीके से भी मैंने आपको करवाया हुआ है, 19 to even number है 180, तो 19 टू इवन नंबर मतलब cos as it is, उसके बाद पाई माइनस थीटा की फॉर्म है, यानी कि दिस एंगल लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos के लिए नेगेटिव साइन लगा लिया, देन थीटा as it is, आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हो, cos of पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। सेम वे में यहाँ पे माइनस cos 5 pi by 13 आ जाएगा, दिस इज cos 3 pi by 13 एंड दिस इज cos 5 pi by 13, plus minus minus plus these will get cancelled and we will get the right answer। सबसे पहला काम हमने क्या किया, आप इसमें चाहो तो आप इस वाले में cos c plus cos d का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, then also you will get your result। हमने क्या किया, 2 cos a cos b को कन्वर्ट कर लिया cos of a plus b plus cos of a minus b में, और ये दोनों टर्म्स एज इट इज आ गई, ये ओवरऑल एंड तक ये दोनों टर्म्स एज इट इज चलेंगे, सिर्फ ये टर्म्स पहले वाली जो दो है वो हम सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ दिस विल गिव मी 10 पाई बाय 13 विद कॉस प्लस साइन एज इट इज एंड दिस वी गेट कॉस ऑफ माइनस 8 पाई बाय 13, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये प्लस में आ गई टर्म हमारी, देन 10 पाई बाय 13 को वी हैव री रिटन एज पाई माइनस 3 पाई बाय 13, 8 पाई बाय 13 वी हैव राइट एज we have written as pi minus 5 pi by 13, cos of pi minus theta is minus cos theta, दोनों में same concept लग गया, और ये दोनों terms आपकी as it is आ गई, this was negative, this was positive, same terms थी, cancel out हो जाएंगी, again in the same way these terms will get cancelled and we will get this equal to zero। Now question number 2, question number 2 में again आपके दो methods हैं, या तो आप पहले bracket खोल के फिर उसको simplify कर लो, अदरवाइज आप ब्रैकेट में पहले साइन सी प्लस डी वाला फॉर्मूला लगा लो, साइन सी प्लस साइन डी और उधर कॉस सी माइनस कॉस डी एंड देन यू कैन सिंपलीफाई। तो आई विल गो विद द सेकंड मेथड कि मैं पहले साइन सी प्लस साइन डी और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाऊंगी एंड देन आई विल ओपन द ब्रैकेट्स। ट्रिग्नोमेट्री में जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन आप एक ही टाइप से कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस आप उसमें जो फॉर्मूला लगाते हो अकॉर्डिंगली यू विल गेट योर रिजल्ट, बट समटाइम्स होता है कि वो आगे आपको रिजल्ट नहीं देता, तो उसके लिए यू नीड द प्रैक्टिस। cos 3x minus cos x into cos x, we have to prove that again this is equal to
सी हम यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज टू साइन सम ऑफ द एंगल्स बाय टू एंड कॉस डिफरेंस ऑफ द एंगल्स बाय टू. मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया है, टू साइन सम ऑफ द एंगल्स 3x plus x by 2 is 2x. मैंने एक स्टेप स्किप किया है रादर, आप लिखोगे वो, एंड देन कॉस 3x minus x by 2 दैट इज x और इनटू ये साइन x एज इट इज प्लस यहाँ पे कॉस c minus cos d का फॉर्मूला minus 2 साइन सम ऑफ द एंगल्स बाय 2 एंड साइन डिफरेंस ऑफ द एंगल्स बाय 2 इनटू कॉस. अभी मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट ओपन करके, 2 sin x cos x sin 2x minus 2 sin x cos x sin 2x. दोनों टर्म्स आपकी सेम है, लाइक टर्म्स जब आप डिफरेंस लोगे दैट इज इक्वल टू सेम. सो ये हमारी आर एच एस आ गई. हमने सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला लगाया sin c plus d का, और जो भी आप फॉर्मूला लगा रहे हो वो साइड पे आपने मेंशन जो चाहे मैं लिख रही हूँ चाहे मैं नहीं लिख रही, बट यू हैव टू राइट इट डाउन, अदरवाइज आपके मार्क्स जो है वो एग्जाम्स में भी डिडक्ट. सम ऑफ द एंगल्स बाय टू एंड डिफरेंस ऑफ द एंगल्स बाय टू. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज अगेन वेरी सिंपल. cos x plus cos y whole square plus sin x minus sin y whole square. We have to prove that this is equal to 4 cos square x plus y by 2. x और y की terms में angle given है, sum of the angles by 2 की form में given है. It means यहाँ पे मैं cos c plus cos d का formula लगाऊंगी, यहाँ पे मैं sin c minus sin d वाला formula लगाऊंगी, then उनके squares का. cos c plus cos d, c c है, that is equal to 2 times cos sum of the angles by 2 cos difference of the angles by sin c minus sin d 2 cos sum of the angles by 2 sin difference of the angles by 2 square. मल्टीप्लाई हो रही है सारी टर्म्स, तो हर टर्म का इंडिविजुअली स्क्वायर कर दोगे. 2 स्क्वायर इज 4, cos स्क्वायर x plus y by 2. आपको मैंने पहले भी बताया था जब हम कोई भी पावर लेते हैं टी रेशियोज में, एंगल की पावर नहीं लेते हो आप, जो आपका टी रेशियो है सिर्फ उसके साथ आपकी पावर लिखी जाती है. तो cos x plus y by 2 का जब आप स्क्वायर लोगे तो दैट इज cos स्क्वायर x plus y by 2. सेम वे में दिस इज cos स्क्वायर x minus y by 2 प्लस यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर x plus y by 2 दिस इज sin स्क्वायर x minus y by 2. 4 cos square x plus y by 2, 4 cos square x plus y by 2 दोनों में से आप कॉमन ले लोगे. ब्रैकेट में क्या रह गया, ये हमने कॉमन ले लिया, we are left with cos square x minus y by 2 और इधर से ये कॉमन लिया तो we are left with sin square और sin बीच में प्लस. अब cos और साइन के अगर आप एंगल्स देखो तो बोथ ऑफ दीज आर सेम, x माइनस y बाय 2 है दोनों में, तो ये फॉर्मूला आपका क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गई, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यू नो इज 1, सो दिस इज 4 cos स्क्वायर इनटू 1, दिस इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाय 2 व्हिच इज r. ये आपकी राइट हैंड साइड है, दिस यू वर टू प्रूव. तो cos c plus cos d का फॉर्मूला लगाया, स्क्वायर कर लिया, sin c minus sin d का फॉर्मूला लगा के स्क्वायर कर लिया, कॉमनली जो भी टर्म कॉमन आ रही थी, हियर वी हैव यूज्ड द आइडेंटिटी cos square theta plus sin square theta equal to 1 एंड यू हैव गॉट योर RHS. क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम है, दैट यू विल डू योरसेल्फ.
Question number 5 was your homework part. Any one of you can tell me how you had done this. और आज मुझे ना आप ही अपने homework part की PDF बना के सिर्फ कल वाला homework जो है वो send कर, so that I can see कि who is doing and who is not. Immediately after your class, you will be having 10 minutes for the next period. In between, you will send me the homework. Question number 5. Sin x plus sin 3x plus sin 5x plus sin 7x. We have to prove that this is equal to 4 cos x, cos 2x and cos sin 4x. अब मुझे ये बताओ कि इनके कॉम्बिनेशंस आपने किस तरीके से लिए. चार टर्म्स हैं, फोर टर्म्स में से एट अ टाइम मैं टू टू टर्म्स लूंगी, तो हाउ यू हैव कंबाइंड द टर्म. x के साथ 3x लिए, 5x के साथ 7x लिया है, या x और 5x लेके 3x और 7x लिया है, या x और 7x. हां जी मैम, sin x और 5x लेंगे और sin 3x और 7x. ओके, you are saying these two will not take it. Next yes. step. Okay, just tell me why you have taken these. ये किस basis पे आपने ली? And because and two से divide करेंगे तो 3 आएगा और 10 से divide करेंगे तो 5 आएगा. कि जब हम इनको लेके 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि सम ऑफ द एंगल्स बाय 2 करेंगे, तो दैट विल बी 3x एंड दिस विल गिव अस 5x. यस. ओके, चलो फार्मूला बताओ यहाँ पे क्या लगाया है. साइन सी प्लस साइन डी. साइन सी प्लस साइन सी प्लस डी 2 साइन साइन डिफरेंस ऑफ द एंगल्स 2. This is your C, this is your D. हमने ये लिया बच्चे फॉर्मूला, टू साइन सम ऑफ द एंगल्स बाय टू. नेक्स्ट आना चाहिए हमारे पास कॉस डिफरेंस ऑफ द एंगल्स बाय टू. तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस डिफरेंस माइनस फोर एक्स आएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा बाय टू. जब आपने किया तो यू हैव गॉट दिस टर्म. सेम वे में आपने यहाँ पे लगा दी 3x plus 7x by 2, sum of the angles by 2, and then difference of the angles by 2. Now the next step. Next step, बच्चे क्या करेंगे अब इसमें से? कुछ कॉमन निकल सकता है? two cos two x हमने कॉमन ले लिया. We are left with sin 3x plus sin 5x. Now the next step. Next step. मैम अगेन वो फॉर्मूला लग जाएगा अंदर. हाँ जी, यहाँ पे फिर से हम फॉर्मूला लगा लेंगे, टू साइन सम ऑफ द एंगल्स बाय टू. मैं अब डायरेक्ट लिख रही हूँ, एंड देन कॉस डिफरेंस ऑफ द एंगल्स बाय टू. तो डिफरेंस कॉस ऑफ माइनस थीटा आएगा, दैट आई हैव रिप्लेस्ड विद कॉस थीटा. टू इंटू टू इज फोर, कॉस टू एक्स फोर आ रहे हैं, कॉस टू एक्स आ रहे हैं, देन साइन फोर एक्स, साइन फोर एक्स भी आ गया, एंड देन कॉस एक्स, एंड देन हमारे पास कॉस एक्स भी आ गया. यानी कि दिस इज योर आर. तो दिस वन इज करेक्ट. यहाँ पे बच्चे आपका इन दोनों का जो है, हमने x और 5x लिया, इनका डिफरेंस बाय 2 और इनका डिफरेंस बाय 2 जो है वो सेम था, तो हमने इनकी पेयरिंग कर दी. सेम वे में आप 3x और 5x और 7x और x का भी पेयरिंग कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों का सम बाय 2 और इन दोनों का सम बाय 2 आपका सेम आएगा, तो आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हो. देन क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्ट है ये आपका.
यहाँ पे जो आपका न्यूमिनेटर गिवन है दैट इज साइन 7x प्लस साइन 5x, यहाँ मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ, 2 साइन c प्लस b बाई 2 यानी कि साइन सी एक्स कॉस डिफरेंस ऑफ द एंगल्स, एंड देन नेक्स्ट वाले में भी 2 साइन 6x हो जाएगा, 9 प्लस 3 बाई 2 एंड डिफरेंस इज 3x, डिनोमिनेटर में कॉस c प्लस कॉस b का फॉर्मूला लग जाएगा आपका दैट इज 2 कॉस 6x, डिफरेंस ऑफ द एंगल्स कॉस x आ जाएगा, देन यहाँ पे अगेन कॉस 6x difference of the angles cos 3x आ जाएगा. If I see the numerator, 2 sin 6x दोनों में से common आ जाएगा. This will be the last question for today. I know the time is over. And यहाँ पे 2 cos 6x आपका common. So you are left with cos x plus cos 3x. ये दोनों terms आपकी same हैं. These will be cancelled. These will be cancelled. Sin upon cos, you know, is tan. 6x sin upon cos जब हम tan में convert कर रहे हैं ये दोनों angles आपके same होने चाहिए, then only this will be equal to tan. तो sin 6x cos 6x, 6x दोनों में same है तो this is equal to tan 6x which is your RHS. Question number 7 was again your homework part that will I will ask tomorrow. अब आप मुझे जो आज वर्क सेंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 उसमें आपके किए होने चाहिए बिकॉज दीज ऑल 4 क्वेश्चंस वर योर होमवर्क पार्ट्स. इफ एनी डाउट इज देयर फ्रॉम टुडेज लेक्चर देन यू कैन आस्क, अदरवाइज द टाइम इज ओवर सो आई विल एंड द मीटिंग. ओके देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे.